अयोध्या से नाबालिग रेप मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग निंदनीय है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में बाबूराम निषाद ने कहा कि यूपी सरकार अपराधी को सजा देगी। अयोध्या में हुए बच्ची के दुष्कर्म के बाद बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अयोध्या पहुंची। हमारे साथ बाबूराम निषाद जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने इस कमेटी का नेतृत्व किया। सर, क्या पाया अयोध्या में, कमियां क्या रह गई? अयोध्या में जाकर उस गांव पे जब गए तो गांव में उस बेटी की माँ से मिले और जब माँ से मिले तो उनका हाल जाना, हाल हो रहे थे। ये घटना तो एक सामने आ गई लेकिन वो दुराचारी ऐसी तमाम घटनाएं घटित कर चुका है और सभी घटनाओं को उसने अपने बाहुबल और धनबल के आधार पर छिपाता रहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उस पार्टी के उनके वरिष्ठ नेता चाचा शिवपाल सिंह जी एक डीएनए की जांच की मांग कर रहे हैं, एक नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उस मुईद खान को बचाना, डीएनए और नार्को टेस्ट की बात करना, मैं कहता हूं कि ऐसी घृणित राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुआवजे को बढ़ाने की मांग की गई है, लोकल पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया गया है। निश्चित रूप से लोकल पुलिस की भूमिका ठीक नहीं थी, उस पे सरकार ने कदम उठाया, तत्काल उस पे कार्रवाई हुई है, अभी जांच चल रही है जैसा कि मुझे पता चला है और सरकार जो जो इस दायरे में आएंगे उन पे कार्रवाई आगे करेगी। ये हमने स्वतः संज्ञान लिया है कि बहुत ही असहाय स्थिति में है वो महिला, वो परिवार, क्योंकि उस परिवार में कोई पुरुष नहीं है, तीन बेटियां, एक छोटा सा बेटा और माँ, कमाने खाने के कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने स्वयं स्वतः कहा है कि हम योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर आग्रह करेंगे कि प्रथम दृष्टया उन्होंने 5 लाख की सहायता पहुंचा दी है लेकिन और उसको सहायता पहुंचा दी जाए तो अच्छा होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी, जिनका कहना है कि पीड़ित बच्चे की डीएनए और बात की जाए नार्को टेस्ट की, जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है बेहद ही निंदनीय है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वाराणसी में चौक थाना क्षेत्र के खोआ गली में जमींदोज हुए दो मकानों में एक सिपाही समेत कुल